नमस्कार साथियों, मैं आपका रियल एस्टेट कोच और कंसल्टेंट अलोक बगाड़े। दोस्तों, नार्विगेट का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, जिसके ऑर्गेनाइजर है NAR इंडिया। तो NAR इंडिया में मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे मिले हैं, जिनका नाम है ध्रुव पटेल जी। ध्रुव पटेल जी का मैं अल्प परिचय आपको देना चाहता हूँ कि ध्रुव पटेल जाते हैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर से, और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में उनकी एक फर्म है जो रियलिटी फर्म है, उसका नाम है श्रीजा रियल्टर्स। उसके वो ओनर्स है, डायरेक्टर है, CEO है, आप जो कहना चाहेंगे वो है, क्योंकि कंपनी ही उनकी है। वैसे देखा जाएगा तो वो GRWA के सदस्य है, वाकई वो सदस्य है, पर वो सदस्य भी कमिटी मेंबर्स में आते हैं, और कमिटी मेंबर जो GRWA है उनके वो डायरेक्टर मेंबर्स है। तो ध्रुव पटेल जी, आपका शुभश्री ग्रुप चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू ध्रुव पटेल जी। मैं आपको एक थोड़ा सा आपका अल्प परिचय दे दीजिए। मैंने तो वैसे दे ही दे दिया है, पर आपकी खासियत, आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं? मेरा नाम ध्रुव पटेल है, मैं गांधीनगर गिफ्ट सिटी से आ रहा हूँ, और मैं प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा करता हूँ, जो बिल्डर प्रॉपर्टी होती है उसमें मेरा ज़्यादा है, और गिफ्ट सिटी में हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। दोस्तों, आपने गिफ्ट सिटी का नाम सुना ही होगा, जो कि गांधीनगर के आसपास है, और वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस, अमेरिकन्स, उसके बाद NRI, उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और गिफ्ट सिटी को अलग तरीके से वो बना रहे हैं। तो मेरा आपको एक ऐसा सवाल है अगला, कि गिफ्ट सिटी में जो NRI उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वाकई भारत इन्वेस्टमेंट के लिए और रियल इस्टेट के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए अच्छा है, और यहाँ पे इंडिया में लोग ज़्यादा सर NRI वगैरह इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसका? जैसे बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया, अभी डिकेड चल रहा है इंडिया का, तो इन्वेस्ट इन इंडिया। जैसे गिफ्ट सिटी इज़ द फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी इन इंडिया, पहला ये स्मार्ट सिटी है। जैसे सिंगापुर बोल सकते हैं, वैसे गिफ्ट सिटी सिंगापुर बोल सकते, सैंगेट ऑफ सिंगापुर बोल सकते हैं। गिफ्ट सिटी में लोग इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया में अभी कैसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत NRI आ रहा है। नाउ 2000 डेटा में बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का डेटा है, 12% GDP ऑलमोस्ट, ऐसा बोल सकते 12% इन्वेस्टमेंट अभी GDP का NRI लोगों ने किया है। 2022 में टोटल 200 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है NRI ओनली, क्योंकि वहाँ पे MNC कंपनी, बैंकिंग कंपनी बहुत सारी आ रही है, और इंडिया में नाउडेज मैन्युफैक्चरिंग लाइक सेमीकंडक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल हुई, तो उससे भी रोजगार बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले एक ही बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, ओके, और इधर नहीं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, ओके। तो दोस्तों देखा जाएगा, देखो जो NRI जो है, प्लस उसके बाद में आउट ऑफ कंट्री के जो भी लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किया है, तो आगे जाके इंडिया जो है ये डेवलप्ड, अभी तो डेवलप्ड कंट्री है, आगे जाके ये डेवलप कंट्री बनने वाली, बराबर, ये डेवलपिंग कंट्री है तो आगे जाके ये डेवलप कंट्री बनने वाली है। तो सही में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सही है। वैसे आप गांधीनगर और गिफ्ट सिटी में आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आई है? जैसे मैं बोल सकता हूँ, अभी SBI का हेडक्वार्टर आ रहा है, ओके, 500-600 एम्प्लॉयज आ रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के ऑलमोस्ट 500-600 एम्प्लॉय आ चुके हैं, LIC का हेड ऑफिस वहाँ पे बन रहा है, क्या बात है, IBM का वहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70 एम्प्लॉयज आ चुके हैं, उनकी लेबोरेटरी IBM वहाँ पे आ चुकी है, बुलिन बैंक जो अपना स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का भी ऑफिस वहाँ गिफ्ट सिटी में है, क्या बात है। तो अभी सोचिए कि अभी गिफ्ट सिटी यहाँ तक है, तो जब 5-10 साल के बाद गिफ्ट सिटी कहाँ पहुँच जाए, तो आपका पैसा अभी लगाइए, और जो 10 साल के बाद जो पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ओके। गिफ्ट सिटी में आपने तो ये सब कहा कि कमर्शियल ही बताया, कमर्शियल, तो कुछ रेसिडेंशियल भी होगा ना उसमें? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है उसमें, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK भी है, क्या बात है। मेजोरिटी वहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी घर चाहिए रहता है, कि भाई ऑफिस यहाँ पे है तो वॉकिंग डिस्टेंस पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या घर वहाँ पे दूँ, ओके। और वो भी हाई स्टोरी आ रहे हैं गिफ्ट सिटी में, अभी मतलब गुजरात का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग 31st story बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि बोल सकते हैं कि बैंगलोर का शोभा भी है, गांधीनगर के प्रोजेक्ट बहुत सारे लोकल बिल्डर्स भी हैं, अहमदाबाद के भी बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे आ रहे हैं,
तो अब भी टाइम है गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी। ओके, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखो, गिफ्ट सिटी में आप इन्वेस्ट करोगे तो सही में आपका पैसा जो है दुगना तो 101% होने ही वाला है। तो एक वहाँ पे मुझे समझ सकता है कि वहाँ की छोटी से छोटी टिकट साइज क्या होगी? 1 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 65 lakhs और 4 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 2 crore के ऊपर। देखो दोस्तों, शुरुआत ही 65 lakhs से है और बड़ा फ्लैट लेने के लिए जा रहे तो आपको 2 crore यानी कि आने वाले समय में गिफ्ट सिटी तो आपको बहुत सारा गिफ्ट ही देके जाने वाली है। यस। और वहाँ पे गिफ्ट सिटी में बोल रहे कि बहुत सारे डेवलपमेंट, कुछ तो टैक्सेशन का भी सुना है वहाँ का, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? वहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे जिस कंपनी एक डॉलर में ट्रांजेक्शन होना चाहिए उस सम अमाउंट ऑफ, और 10 साल के लिए उस कंपनी को जो GST टैक्सेशन नहीं भरना पड़ता है। क्या तो बात है, यानी कि 10 साल तक GST और टैक्सेशन नहीं भरना ही नहीं है? नहीं है। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, बट उसमें क्राइटेरिया है कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ट्रांजेक्शन डॉलर्स में होने चाहिए, तो ये बेनिफिट एलिजिबल है। ओके, बहुत ही बढ़िया है, यानी कि हमारे जैसे भी रियल्टर्स वहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि हमारा टैक्स बचाने के लिए, GST वगैरह बचाने के लिए। वैसे तो बिल्डर्स तो आ ही रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आप घर लोगे तो वहाँ पे आपका 101% आपका टैक्स बचने ही वाला है। तो स्पेशल इन कमर्शियल के लिए, सिर्फ कमर्शियल के लिए, बट उसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होना चाहिए, वही एलिजिबिलिटी और IT फर्म होनी चाहिए। ओके, IT फर्म होनी चाहिए। ओके, देखो IT फर्म होनी चाहिए, IT फर्म होगी ना तो 100% आपको रिबेट मिलने वाला है, यानी कि टैक्स भरना ही नहीं वहाँ पे, तो 10 साल के लिए। जो भी हमारे ग्राहक लोग IT कंपनियों में से आते हैं तो आप प्लीज़ ध्रुव भाई को संपर्क कीजिए। मैं ध्रुव भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। आपका टैक्स बचाने का तो आप संपर्क कीजिए ध्रुव भाई को। ध्रुव भाई जी, बहुत ही बढ़िया है गुजरात, यानी कि वाकई में जो आने वाले कुछ समय में गुजरात भारत का नक्शा बदल ही देने वाला है। और वैसे गुजरात भारत का नक्शा बदल ही रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र जी मोदी साहब के थ्रू, क्योंकि आप देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्या बोलता है, रोड्स वगैरह बहुत बहुत बढ़िया बन रहे हैं। जो उनके अंडर में जो नितिन जी गडकरी साहब कर रहे हैं, महाराष्ट्र के जो है वो भी आपके मिनिस्ट्री में आते हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो 101% इंडिया का नक्शा आने वाले कुछ समय में बदलने ही वाला है। इंडिया का टाइम है, इंडिया इन्वेस्ट इन इंडिया। ओके, यानी कि इंडिया का ये टाइम है। अभी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो देख लो भाई, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले लेंगे। यानी कि जो बेनिफिट आपको होने वाला है वो अभी के समय में ही हो सकता है, अभी इन्वेस्ट करोगे तो। और उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करोगे तो 2 गुना 101%। आपने कुछ तो लास्ट टाइम किसी एक क्लाइंट को 18 या 20% आपने कुछ तो मैंने सुनाया था, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताएंगे क्या हुआ था करके? जैसे एक मेरे क्लाइंट है, मतलब उनको जैसे वो दुबई के कस्टमर है मेरे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 4 BHK और वीडियो कॉलिंग में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और तुरंत उनके कलमोस्ट ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी मैंने दी थी 170 के आजू बाजू, नाउ प्रॉपर्टी रेट 170 crore दोस्तों, 170 crore में दिया था, नाउ रेट इज 2.25 crore विद इन 7 months। सॉरी कितना? 2.25 crore हो गया भाभी, 8 months विदिन 8 months 1.17 से लेके डायरेक्टली 2.25। दोस्तों देखो कितना अच्छा समय है अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने का, तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए हमारे ध्रुव भाई को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया है और वो उनको डायरेक्टली कॉल कीजिए, उनका भी है ना, वो आपकी तरफ से कुछ ब्रोकरेज नहीं लेंगे। हाँ, ये भी बात समझ के ले लो, आपकी तरफ से ब्रोकरेज नहीं लेंगे, वो आपको सर्विस 101% दे देंगे। तो आप ध्रुव भाई को संपर्क कीजिए। ध्रुव भाई, आप हमारे चैनल पे आ गए, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूँ। हम मिलेंगे जल्दी ही गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ओके, थैंक यू ध्रुव भाई।